गांव का नाम सुनते ही आज भी लोगों के दिमाग में गरीबी, कच्चे घर, अशिक्षित लोगों की तस्वीर बन जाती है। लेकिन आपको बता दें कि सभी गांव वैसे नहीं है। चीन का एक गांव ऐसा भी है जहां की सुख सुविधा बड़े बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ दे। इस गांव के लोग गरीब नहीं बल्कि बेहद अमीर हैं। ये गांव चीन के उत्तरी तट के पास बसे जियांगिन शहर में है और पूरे देश में सबसे अमीर कृषि गांव है। इस गांव में रहने वाले सभी 2000 लोगों की सालाना आमदनी 1 लाख यूरो करीब 80 लाख रुपए है। हुआजी गांव आज एक सफल समाजवादी गांव का मॉडल पेश कर रहा है। हालांकि शुरुआती दौर से गांव की तस्वीर ऐसी नहीं थी। दरअसल 1961 में स्थापना के बाद यहां कृषि की हालत बहुत खराब थी, लेकिन गांव की कम्युनिस्ट पार्टी कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रहे वो रेनवाओ ने इस गांव की सूरत ही बदल दी। उन्होंने औद्योगिक विकास की योजना के लिए पहले गांव का निरीक्षण किया और फिर एक मल्टी सेक्टर इंडस्ट्री कंपनी बनाई। उन्होंने सामूहिक खेती की प्रणाली का नियम बनाया। इसके साथ ही 1990 में कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया। गांव के लोगों को कंपनी में शेयरधारक बनाया गया। गांव की स्टील, सिल्क और ट्रेवल इंडस्ट्री खास तौर पर विकसित है और इसने 2012 में मुख्य रूप से 9.6 अरब डॉलर के फायदे का योगदान दिया। गांव के लोगों के लाभ का हिस्सा कंपनी में शेयर होल्डर निवासियों के बीच बांटा जाता है। हुआजी गांव सिर्फ समृद्ध ही नहीं है, यह देखने में भी बहुत आकर्षक है। देशी विदेशी तकरीबन 5000 लोग रोज इस गांव में घूमने और इसे देखने आते हैं। इन्हें गांव में घुसने के लिए एंट्रेंस फीस भी चुकानी पड़ती है। हालांकि इसके बाद गांव में किसी भी जगह पर घूमने की कोई फीस नहीं है।